बिहार में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त देने के वादे पर मुहर लगाई गई। इसके साथ ही लोगों को मुफ्त में कोविड 19 का टीका लगाने का अब रास्ता साफ हो गया है। नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद दरअसल अब ये बात तय है कि देश में जब भी कोविड 19 का टीका आएगा तो बिहार के लोगों को राज्य सरकार मुफ्त में ये उपलब्ध कराएगी। मंगलवार को कोरोना वैक्सीन के साथ ही कैबिनेट की बैठक के दौरान अगले 5 साल में सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 को भी मंजूरी मिली। कैबिनेट ने ये फैसला लिया कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नए अवसर सृजित किए जाएंगे। राज्य सरकार अब बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराएगी, वहीं कारोबार के लिए 5 लाख तक का अनुदान भी मिलेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।